कई बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, अब एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। खबर थी कि प्रदीप बालमुचू कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, लेकिन अब आपको हम बता दें इस खबर का पटाक्षेप हो गया है। प्रदीप बालमुचू की पार्टी में नो एंट्री हो गई है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि दूसरे दल से चुनाव लड़ने वालों को पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रदीप बालमुचू और सुखदेव भगत को पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। खबर थी कि दोनों वापस कांग्रेस में आना चाहते थे, कांग्रेस में वापसी करना चाहते थे। आपको बताएं कि चुनाव से एन वक्त पहले सुखदेव भगत ने बीजेपी का दामन थामा था, जबकि प्रदीप बालमुचू ने आजसू का दामन थामा था। सुखदेव भगत लोहरदगा से चुनाव लड़े थे, प्रदीप बालमुचू घाटशिला से चुनाव लड़े थे, दोनों चुनाव हार गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब आरपीएन सिंह ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि भाई इनकी वापसी नहीं होगी। और ऋषिकेश हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे ऋषिकेश का। ऋषिकेश, अभी से फुल स्टॉप मान लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश प्रभारी ने साफ साफ न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कह दिया है कि भाई इनकी वापसी नहीं होगी, क्या समझें इसे ऋषिकेश? अभिषेक, देखिए बिल्कुल स्टेट यूनिट की तरफ से कोशिश की जा रही थी। प्रदीप बालमुचू ने खुद दावा किया कि वो शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, लेकिन आज प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि किसी तरह की कोई एंट्री नहीं होगी, वो भी जो पार्टी के खिलाफ चुनाव जाकर लड़े हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव जाकर लड़ा उन्होंने। इसीलिए जो इस तरीके की चर्चाएं हैं, अफवाह है, उस पर ध्यान न दिया जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई भी जो चुनाव लड़ा है कांग्रेस के खिलाफ जाकर या इस महागठबंधन के खिलाफ जाकर, उसकी एंट्री नहीं होगी, तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा गया है। जबकि इसके पहले वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कई कार्यकारी अध्यक्ष इसके पक्ष में थे। जमशेदपुर में खुद प्रदीप बालमुचू के घर पे जो मौजूदा सांसद है राज्यसभा के, उनके साथ डिनर हुआ, उसमें कुछ कांग्रेस के लीडर भी मौजूद थे। लेकिन अब दिल्ली ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। हालांकि प्रदीप बालमुचू का भी दावा है कि वो संपर्क में है और वक्त का इंतजार करिए, वो फिर अपने घर वापस होंगे, इस तरीके की बातें आ रही हैं। लेकिन प्रदेश प्रभारी ने स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर मना कर दिया कि जो भी चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़े हैं उनकी पार्टी में फिलहाल एंट्री नहीं है। साफ सख्ती और ऐतराज जताया उन्होंने, खास करके कि इस तरीके की भ्रामक अफवाह वाली चीजों को प्रचारित न किया जाए। शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पार्टी के खिलाफ लड़ा है। और जो नोट जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो ठीक विधानसभा चुनाव के बाद ही जो नोटिंग होती है प्रदेश प्रभारी की, संगठन महासचिव की, वो भेज दिया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो भी प्रदेश में कांग्रेस के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ा है उसकी पार्टी में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके एंट्री से गुटबाजी बढ़ेगी, बगावत होगा और चीजें अस्थिर हो जाएगी, जिसकी अभी जरूरत नहीं है। झारखंड में एकमुश्त सरकार चल रही है, संगठन बेहतर तरीके से काम कर रहा है। अभी से जी बिल्कुल, चलिए ऋषिकेश बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषिकेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया, तमाम तरह की बातों को बताया कि अब फिलहाल इस पर फुल स्टॉप लग चुका है।